अम्मी अचानक क्या हो गया ऐसा जो बात इतनी बढ़ गई? आपको दानियाल भाई को रोकना चाहिए था ना। अरे बेटा, मेरी तो खुद अपनी अकल काम नहीं कर रही थी। बेटा मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जब मैंने तुम्हें फरीहा के कमरे में भेजा और अचानक बैठे बिठाए यूं। छोटे अम्मी जो हो गया सो हो गया। नसीब में लिखा था। अच्छा मेरा बच्चा, अब बता तेरी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम जानती तो हैं कि यहाँ कितना ख्याल रखते हैं सब मेरा। खास तौर पर फखर, एक मिनट भी मुझे उदास नहीं देख सकते। तो आपको अल्लाह का शुक्र है बेटा। मेरी दुआ है अल्लाह पाक तुम दोनों को खुश रखे। लेकिन हम बहुत याद आ रही है अम्मी, मुझसे मिलने नहीं आई। प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ। मैं आऊंगी किसी दिन, तुम फिक्र ना करो, बस तुम अपना ख्याल रखो। अम्मी फखर आ गए, मैं बाद में कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ठीक, खुदा हाफिज़। कोई गलती नहीं थी, मेरा यकीन करें, मेरा कोई कसूर नहीं था। फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। मैं तो खुद रो रही हूँ अपनी बदकिस्मती पे। आपको ये खुशी मेरी दे सके, अगर मुझसे नाराज नहीं हो, मैं माफी मांग रही हूँ। आप मुझसे नाराज मत हो, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। हैं आप नाराज? मुझसे मुझसे मांग भी नहीं कर रहे हैं आप। मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ उसे अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल कर लिया है। तुम भी भूल जाओ। खैर क्या कर रही थी? अम्मी से बात कर रही थी। बहुत परेशान है मेरी वजह से। कह रही थी कि एक दो दिन में मिलने आएंगे। मेरा ख्याल है कि उन्हें नहीं आना चाहिए। फखर ईमान, तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? तुम्हारे लिए सिर्फ मैं अहम हूं, तो प्रूव करो। दानियाल ने जो कुछ हॉस्पिटल में अम्मी के साथ किया, जितना रूड उसने बिहेव किया, उसके बाद मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर तुम्हारे लिए मेरी, मेरी अम्मी की इज्जत
सारा भी इम्पोर्टेंट है ना तुम्हारी नजरों में, तो तुम आज के बाद उन लोगों से नहीं मिलोगे। फखर, मैं जानती हूँ दानियाल भाई ने गलत किया है, बहुत गलत किया है उन्होंने। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ आपसे, उनको माफ कर दे, बल्कि मैं उनको खुद बोलूंगी कि वो यहाँ आए और आंटी से माफी मांग के जाए, लेकिन मुझे इतनी बड़ी आसपास में बिठा दे। ईमान, मैंने आज तक तुम पे कोई पाबंदी नहीं लगाई, किसी चीज से मना नहीं किया तुम्हें, इन कुछ बातें इग्नोर नहीं की जा सकती, और मैं अपनी वजह से अपनी फैमिली की इंसल्ट कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है, मैं उनको मना कर दूंगी वो लोग यहाँ ना आए, लेकिन मैं तो उनसे मिलने जा सकती हूँ। अगर प्लीज ईमान, प्लीज, मैं ये बात बार बार दोहराना नहीं चाहता, क्या तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत काफी नहीं है? Assalamualaikum, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।